الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदू सीता हमारा हम बुलबुले हैं हिंदू सीता हमारा बरादरान वतन आज हम हिंदुस्तानी 75वें गांव में आजादी का जश्न मना रहे हैं। हम सभी को मुबारकबाद पेश करते हैं भाइयों। आज हम जश्न आजादी पर पुट्टी पर धूमधाम पूरा अमन शांति और पूरी खुशहाली के साथ मना रहे हैं। क्या हम इसकी वजह जानते हैं? क्या हमें आजादी ऐसी मिली? बिल्कुल नहीं, बल्कि हमें आजादी हमारे पशुओं की बलिदान हमारे इस्लाम की कुर्बानियों हमारे आबा अजदाद के इंतहा और मुसल से जिद बजार हम हिंदुस्तानियों के अंदर कोशिश का नतीजा और समरा है। मादर वतन की आजादी की खातिर हम भारतीयों ने फिलहाल तफरीक में जवान मिलना और कानून को वकील के लग देंगे। इस मुल्क में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जवान बुढ़े बुजुर्ग और सभी ने हमें बहुत गर्व की और वोटों ने जामे शहादत में फरमाया सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में सभी का खून है शामिल यहाँ के मिट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वतन के शहदाइयों आइए हम जानते हैं कि तहरीक आज़ादी हिंद की शुरुआत कब और कैसे हुई और हमें आज़ादी कब मिली। सरफराश की तमन्ना हमारे दिल में है देखने से कितना बाजिया कातिल में है। हाजरीन उसका दागा मौजूदा सर्टन हिंदुस्तान आए ताकि मछली की ममली के रास्ता हम कर सके और सलाह से इसमें कोई ईस्ट इंडिया कंपनी की पुण्या डाली जो दर हकीकत बढ़ता में हुकूमत के फौजी ट्रेनिंग का थी। लिहाजा बंगाल पर कब्जा करने के लिए पहले बाल का फौजी अफसना खड़ा जो बाद में पलासी की जंग की शक्ल में उभर कर आई जो 1317 से सुल्तान इसम में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज जनरल कलाया के दरमियान हुई जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई और अंग्रेजों की भरपरिया तो शुरू हो गई। उसके बाद 1799 में मैसूर की जंग सिर्फ मैसूर टीपु सुल्तान और अंग्रेजी के दरमियान हुई उसमें भी अंग्रेज बाजी रह गया उसी तरह गए आलम में बहुत जुल्म किया गया लेकिन खासा कामयाबी नहीं मिली। यहाँ का कठिन सुल्तान का गदर पाक का पेश आया जिसे आजादी हिंद की पहली तहरीक कहा जाता है क्योंकि उसके बाद हिंदुस्तानियों की हिम्मत बढ़ने लगी और फिर उलमाए किराम ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग का फतवा दिया। अजीजाने गिरामी मुल्क की आजादी की लज्जा का जगह तहरीके चलने लगी जब मजहबी रहनुमाओं की क्यादत में कम में भी किसी हत्या करते चले गए। मौलाना अबुल कलाम आजाद गांधी जी सुभाष चंद्र जैसे बड़े बड़े दानिशमंदों की रहनुमाई में चंपारण सत्याग्रह दांडी मार्च अंग्रेजों भारत छोड़ो खिलाफत मूवमेंट वगैरह तहरीके चले गए। उन तहरीकों और आलम फगवा के खिलाफ हजार हिंदुस्तानियों पर बर्तानवी जालिम हुकूमत ने जुल्म जबर तशद की अंदर कर दी जिनको इस्माइल सईद अशफाकुल्ला खान चंद्रशेखर आजाद खुदीराम भगत सिंह वगैरह नौजवान हिंद आजादी की बलि चढ़ गए। हाजरीन हमारा मुल्क हिंदुस्तान हमारे असलाफ और पटकों की खून से सींचा हुआ है। मिला आखिर 15 अगस्त 1947 को मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ और चारों तरफ आजादी के नगमे गुनगुनाए गए। लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है लहू वतन के शहीदों का रंग लाया है उछल रहे जमाने में नाम आजादी। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम।